वापस रेडियो सिटी 91.9 एफएम से मैं प्रतीक, और दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, और गांधी जयंती हमने मनाई और गांधी जी के विचार आज भी लोग लेकर चल रहे हैं, और गांधी जी का चरखा तो आपको पता होगा और वो भी बहुत से लोग लेके चल रहे हैं। नहीं, यहाँ पर कहीं सूत नहीं काटा जा रहा। अभी आप देख रहे हैं एक ढाबा जहाँ पर चाय, पकौड़ी, समोसा ये सब बनाया जा रहा है और यहाँ पर चरखे का इस्तेमाल हो रहा है एक दूसरे तरीके से। ये चरखा है, ये देखिए पंखा इससे चलाया जाता है, ये पंखी लगी हुई है इस चरखे में और ये आंच तेज की जाती है। वेल, मेरे साथ यहाँ पर राजकिशोर जी हैं। तो राजकिशोर जी, पहले तो आपका बहुत बहुत वेलकम यहाँ पर। और कितने सालों से ये दुकान आपकी है? लगभग 40-50 साल। 40-50 साल से ये दुकान है और दैनिक जागरण ऑफिस के सामने चाय पकौड़ी बहुत ही अच्छी मिलती है। और ये जो गांधी जी के चरखा है उसका फॉर्मूला, इस पंखे की प्रेरणा आपको कैसे मिली? ये प्राइमरी स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो हम लोग तकली थे और चरखे से हम लोग सूत काटते थे। ये कब की बात है? ये 65-66 के 1965 की बात है। 65 की बात है। तो उस समय चरखे से आप सूत काटते थे? जब प्राइमरी में हम लोग पढ़ने जाते थे तो सूत काटते थे, कोई हमारे दिमाग में आया तो हमने चरखा बना दिया। तो गांधी जी का वो चरखा जो गांधी जी ने सूत काटने को बनाया, ये भी जब प्राइमरी में पढ़ते थे तो ये सूत काटते थे, तो वो फॉर्मूला लेकर इन्होंने इसको डेवलप किया। देखिए ये पंखा जो चल रहा है और ये आज तेज हो रही है, जहाँ पर गर्मा गर्म समोसे अभी बन रहे हैं आप देख सकते हैं। तो मुंह में हाँ पानी आ गया होगा। तो वेल, चाय पकौड़ी खाते रहिए, मस्ती करते रहिए और सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.9 एफएम, रग रग में दौड़े सिटी।